हरे कृष्णा, आप लोगों के साथ में मेरे पास में शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, और मैं जब पेशेंट से बात करता हूँ तो वो चीज़ें भी मेरे पास में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए हैं। बट कुछ समय ऐसा होता है कि मैं मजबूरी में कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कम्फर्टेबल नहीं होते हैं अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन जो कम्फर्टेबल होते हैं या फिर जो माइंड नहीं करते हैं, मैं उसी तरह की आपको एक क्लिप यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको वो क्लिप सुन के, और आप देखेंगे कि पिगमेंटेशन कैसे ठीक होता है। और मैं ये क्लिप को पूरा करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुपर फास्ट तरीके से पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करना है अपनी। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप ये क्लिप। सत श्री अकाल जी, मैनू एक महीना हो गया दवाई खांदे नूं, हुण मैं दूसरी महीने वाली शुरू कीती है। ते जिवें कल सारा दिन मैं अज ओह खाधी दवाई, फिर मैं कल कुछ नहीं खाऊंगी दवाई, फिर मैं परसों स्टार्ट करा। हर वारी एवें करना हुंदा, ते मेरे फेस दा जिवें काफ़ी फर्क है गया, मुँह तो काल सजी गई, बहुत उतर गई, जिवें 60-70% मैनू लगता भी मेरा फर्क हैगा। उहदा स्किन मेरी देसी घ्यो लाउण दे नाल जिवें काफ़ी हैल्दी लगदी है, जिवें अगे पतली पतली जी हुई हुई सी, ते वी मैनू काफ़ी ठीक लग रहा मेरा मूँह फेस। पर जिवें अजे कलर तो नहीं बारा ठीक होया हैगा, पर जिवें छाइयां काफ़ी फर्क है, जिवें काला मूँह सीगा जिवें काफ़ी, जिवें मैं भेजियां सी तुहानूं स्किन फोटो, मेरे को हैगियां नहीं हुण, पता नहीं मैं डिलीट कित्थों करतीआं, ते ओह बहुत फर्क है। तुहाडे कोले होणगे, तुसीं चैक करो, ते जे कहो तां तुहानूं मैं भेज दां आपदीआं। चलिए, ये कमेंट पूरा का पूरा पंजाबी में था। ये पेशेंट मेरे पास में पंजाब से हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं। चलिए, मैं यहाँ पर इनके कमेंट को हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग पंजाबी को नहीं समझते हैं, थोड़ी थोड़ी पंजाबी को समझते हैं। चलिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैनू एक महीना हो गया दवाई खांदे नूं। इनको एक महीना हो गया है दवाई खाते हुए। मैं दूसरी महीने वाली शुरू कीती है। हुण मैं दूसरी वाली दवाई शुरू कीती है, दूसरे महीने दी। तो इसका मतलब कि हुण मतलब कि अब इन्होंने दूसरे महीने की दवाई शुरू की है। कल सारा दिन मैं आज वो खाती दवाई, फिर तीन सारे दिन उन्होंने वही दवाई खा दी। मतलब कि हम एक दवाई ऐसी देते हैं छोटी शीशी में, जो कि एक ही दिन में ख़त्म करनी होती है आप लोगों को, और फिर एक दिन का गैप करके फिर अगली सारी दवाइयाँ आपने शुरू करनी होती है ना। तो जैसे कि हम आप लोगों को बोल के चलते हैं कि दवाई 30 डेज की है, ठीक है। तो जब आप क्लिनिक पर कॉल करते हैं, आप ये सुनते हैं कि एक महीने की दवाई इतने रुपीज की है, तो कई लोगों को जो बहुत सौखा मतलब कि बहुत आसान होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग थोड़े से पैसों की उनके पास में तंगी होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते ट्रीटमेंट। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेडिसिन होती है बहुत जेन्युइन रेट में है, बहुत जेन्युइन रेट में है वो। और जो हम मेडिसिन आपको बताते हैं कि 30 दिन की, वैसे देखिए अगर आपको एक महीने की दवाई कोई भी बोल के देगा या एक महीने की कोई भी स्कीम आपको पकड़ाएगा, तो वो केवल 28 दिन का होता है ना। क्योंकि सरकारी आंकड़ों में या किसी भी कंपनी के आंकड़े में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एक महीना 28 दिन का काउंट होता है ना। तो हम वैसे दवाई आपको 30 दिन की बोल के देते हैं, है ना। बट हमारी दवाई जो है वो 35 से 40 डेज चलती है। उसमें कुछ दवाई पहले ख़त्म हो जाती हैं, और जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो लगभग 35 से 40 डेज चलती है। यानी कि आमतौर पर हमारी दवाई अगर हम मोटा मोटा माने तो 35 दिन से ऊपर ही दवाइयाँ चलती हैं, जिनकी कॉस्टिंग जाके बहुत सस्ती बैठ जाती है एक दिन की। ठीक है, चलिए हम आगे सुनते हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं लोग एक महीने की दवाई है ये। नहीं, वो एक महीने की दवाई नहीं होती है, वो लगभग 35 डेज की दवाई होती है। मैं कल कुछ नहीं खाऊंगी दवाई, फिर मैं परसों स्टार्ट करा, हर बार ये ही करना होता। हाँ, मतलब कि हर बार ऐसा ही करना होता है। जब हम मेडिसिन आप लोगों को भेजते हैं तो छोटी शीशी भेजते हैं, एक दिन में खत्म करनी होती है, अगले दिन का गैप करना होता है, फिर अक्सर अगले दिन सारी दवाइयाँ शुरू करनी होती हैं। ते मेरे फेस दा जिवें काफ़ी फर्क है गया, मुँह तो काल सजी गई, बहुत उतर गई। हाँ, जो मुँह पे जो कालापन था ये बहुत ज़्यादा उतर गया है इनका, या फिर इन्होंने शायद ये कहा है कि मुँह पे जो काली खाल थी वो काफ़ी ज़्यादा उतर गई है। ध्यान रखिए, लगाने के लिए हमने कुछ नहीं दिया है इनको। कभी आप सोचें कि खाल उतारने वाला कोई क्रीम हमने दिया होगा इनको, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं दिया लगाने के लिए, केवल खाने की मेडिसिन है। चेहरे पर ये जो कालापन था पूरा का पूरा उतर गया है इनका, ठीक है, बहुत कुछ उतर गया। सुनते रहिए आप ध्यान से। 60-70% मैं लगता है मेरा फर्क हैगा। एक महीने में 60-70% इनको लगता है कि फर्क है इनको। देखिए, अपने आप को तो फर्क लगता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद को फर्क लगता है, अपने आप को फर्क नहीं लगता। अब जैसे मेरे पास में आज एक पेशेंट आए थे दिल्ली से, तो वो हस्बैंड भी आए थे, वाइफ भी आए थे। आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो मतलब जो हाउस वाइफ में से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको कितना मुश्किल काम होता है, पति को बोलना है, अपने हस्बैंड को बोलना है कि मेरे को ट्रीटमेंट लेना है ऑनलाइन, और पति बोलते हैं कि नहीं, ऑनलाइन तो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं लेना है। तो सम टाइम लोग क्लिनिक पर भी आ जाते हैं। तो क्लिनिक पर आए थे वो, पहले भी मेरे पास से 2-3 बार दवाई लेके जा चुके हैं अपनी, और जब मैंने आज उनका चेहरा देखा तो बहुत अच्छा था, मतलब कई गुना, मतलब 50-60% उनका चेहरा साफ था।
तीसरा है चौथा महीना उनको था, एक महीने के मैं नहीं बोलूंगा, जब जैसा है वैसा है। तो कम से कम 3 महीने वो दवाई खा चुके हैं, अब शायद 4 महीने खा चुके होंगे, 5वें महीने की दवाई मेरे पास में वो लेने आए थे। तो उनका ये पूरा हिस्सा, इतना ये हिस्सा ना पूरा का पूरा नीचे तक काला था, पूरा ऐसे पूरा काला है ना, और ऊपर का हिस्सा भी उनका काला था ऐसे करके, लेकिन 2 शेड थी, ऊपर हल्का काला था नीचे पूरा काला था। अभी जो ऊपर का जो चेहरा था इनका ना, लगभग लगभग वो क्लीन हो गया, पूरा क्लीन हो गया, अब उसमें हल्का हल्का कालापन नजर आता है अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो, वो भी धब्बों में। और जो नीचे का जो हिस्सा था, अब नीचे वाला हिस्सा लगभग ये समझ लीजिए कि 60-70% उनका कालापन जो है लाइट हो गया, पूरा पूरा लाइन का लाइट हो गया। चेहरा पहले से अच्छा लगता है, चेहरा पहले से खिला हुआ लगता है, बाकी जो उनकी स्किन है हाथों की पैरों की उसमें शाइन लगती है, उनके गले गले तक पिगमेंटेशन है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से उनका चेहरा साफ हुआ है। स्किन मेरी देसी घ्यो लाउण दे नाल जिवें काफी हेल्दी लग रही है, जिवें अगे पतली पतली ही हुई हुई सी। देखिए कई लोग ऐसे बोलते हैं कि देसी घी लगा के हमने अपने चेहरे को खराब कर लिया, हमने अपने चेहरे को बर्बाद कर लिया, और कई लोग ये कमेंट करते हैं डॉक्टर साहब मतलब हम पछताते हैं उस दिन के लिए कि जिस दिन हमने आपके वीडियो देखकर देसी घी लगाया, हमारा चेहरा काला पड़ गया है ना। मतलब वो इतना वो नहीं रख सकते हैं पेशेंट्स कि चलो वेट कर लेते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने। इवन मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी, उसने वीडियो बना रखी थी कि मैंने देसी घी लगाया था, मेरा लगभग 7 महीने चेहरा मेरा काला पड़ा, और 7 महीने चेहरा काला पड़ने के बाद में मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया 100%, ठीक है। और उसने मेरा नाम लिया कि मैंने सर की वीडियो देख के ये अपना देसी घी लगाना शुरू किया था और चेहरा उनका बिल्कुल क्लीन हो गया आज के समय में। ओके, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मतलब हम देसी घी हमने लगा लिया चेहरा काला हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ देसी घी लगाएंगे, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो काली हो जाएगी, और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव नहीं है वो काली नहीं होगी। सुनते हैं आगे। मेनू काफी ठीक लग रहा है मेरा मुंह फेस पर जिवें अजे। इन्होंने एक चीज कही कि जैसे इनकी स्किन पतली हो गई थी है ना, स्टेरॉइड लगा लगा के स्किन पतली हो जाती है, तो अब इनको अपना चेहरा बहुत ठीक लग रहा है, पहले से बहुत ठीक लग रहा है इनका चेहरा। कलर तो नहीं बारा ठीक होया है, पर जिवें छाइयां काफी फर्क है, जिवें काला मुंह सीगा जिवें काला मुंह। आप खुद सोचिए, इन्होंने कहा कि जैसे काला मेरा मुंह था वो काफी हद तक ठीक हो गया। सुनिए दोबारा। काफी फर्क है, जिवें काला मुंह सीगा जिवें काफी, जिवें मैं भेजियां सी तुहानूं स्किन फोटो, मेरे को हैगियां नहीं हुण, पता नहीं मैं डिलीट कित्थों करतीआं, ते ओह बहुत फर्क है, तुहाडे कोले होणगे तुसीं चैक करो, ते जे कहो तां तुहानूं मैं भेज दांगी। ठीक है, तो ये कमेंट केवल इतना था, इन्होंने कहा कि पहले मेरा मुंह काला था बट अभी वो काला नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आप लोगों को विंटर की डाइट बता रखी है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जिन लोगों को गर्मियों में फर्क नहीं पड़ता उनको विंटर में फर्क पड़ता है। हिम्मत मत हारिए, हार मत मानिए इस चीज से, चेहरा आपका अवश्य ठीक होगा, बस अपने शरीर को उस लायक बनाइए कि वो खुद की खुद हीलिंग कर सके। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने चेहरे को इतने बुरे तरीके से डैमेज कर चुके होते हैं, कई बार आपको 6 महीने वेट करना होता है अपने चेहरे की हीलिंग को देखने के लिए, कई बार 9 महीने वेट करना होता है अपने चेहरे की हीलिंग को देखने के लिए। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता ना किसी भी चीज से, तो हो सकता है कि आपका जो लीवर है वो लगातार टॉक्सिन निकाल रहा हो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, अगर आपको मेलाज्मा है ना, तो वो नाक से आएगा इस तरह से बटरफ्लाई की शेप में, वो आपके आता है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरीके से है ना। और अगर आपको पिगमेंटेशन है इधर 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 मुंह के चारों तरफ पिगमेंटेशन अगर आपको है, तो वो पिगमेंटेशन आपको मेलाज्मा नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर हो सकता है कि लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से आपको ये पिगमेंटेशन हो, आपका शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा भड़का हुआ है उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो, आपको फैटी लीवर है उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो, यानी कि ये इतने सारे कारण होते हैं आपके पिगमेंटेशन को होने के। यहाँ पर तो मैंने केवल आपको 3 बताया, तो जिनके हार्मोन्स की वजह से पिगमेंटेशन होती है वो हम इजीली समझ जाते हैं कि इनको हार्मोन्स की वजह से है, और जिनको पिगमेंटेशन होती है उनके ये पित्त के इम्बेलेंस की वजह से या फिर लीवर के टॉक्सिन की वजह से, वो भी हम इजीली समझ जाते हैं। ठीक है, और समय लगता है इस चीज़ों में ठीक करने में। तो गर्मियों के मौसम में हमने क्या काम किया, आप लोगों के पित्त को ठीक किया, सर्दियों के मौसम में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आपके कोलेजन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि नेचुरल प्रोटेक्शन आपके शरीर के ऊपर आ जाए। तो जो मैंने आपको डाइट बताई है 23 अक्टूबर को अगर आप उसको फॉलो करते हैं, यकीन मानिए पिगमेंटेशन आपका ठीक होगा, 100 में से 80 लोग तो ठीक हो जाएंगे उससे। ठीक है, और जो 20 लोग बचते हैं वो धीमे धीमे करके वो ठीक हो जाएंगे। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।